कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे और साथ में बना रही हूँ आलू के पराठे। तो ये मैंने मूली को धो के यहाँ रखा है और इसके साथ मैंने इसके पत्ते भी काट लिए हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च और हरा प्याज और पुदीना, ये जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो उसके बाद इसमें साथ में इसके जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा, बस। और इसका पराठा बनाएंगे हम लोग। ये देखिए आलू का पराठा है। इसमें मैंने आलू बॉईल करके, चार आलू, उनके अंदर मैंने हरी मिर्च, एक हरी मिर्च, आधी टीस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून मैंने, आधी से भी कम मैंने नमक डाला है, आधी टीस्पून चाट मसाला और दो टेबलस्पून धनिया, हरा धनिया और पुदीना काट के डाल दिए। और बस अब इसको मिक्स करेंगे और फिर पराठा बनाएंगे। ये देखिए मसाला मिक्स कर दिया। ये हमारा आलू का बैटर, ये हमारा बन गया। और वहाँ पे मूली हमारी होगी, ये एक अदद मूली है और साथ में धनिया है आधी गठी, आधी गठी पुदीना, हरी मिर्च एक, और इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि नमक डाल के पहले ही इसको मैंने इसका निचोड़ दिया था पानी, और ज़ीरा पाउडर डाला है, उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला, बस। और इसको मिक्स कर लेते हैं। इधर बनेंगे मूली के पराठे और साथ में, और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है और उसके साथ जो है यहाँ पे लूँगी देसी घी, और देसी घी के साथ मैं पराठा बनाऊँगी। मैं ऐसे करूँगी, आसान तरीका, ये देखिए इस तरह किया, इसके अंदर हल्का सा घी लगाना, बहुत हल्का सा, और यहाँ पे मैं ये आलू का रखूँगी बना के, दो जो आलू का, ये इसको यहाँ जैसे मोमोज बनाते हैं उस तरह हम इसको बंद कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा पेड़ा बन गया, इसको मैं यूँ करूँगी। पलटेंगे पलटेंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, ऑयल भी लगा सकते हैं जी। ये देखिए हमारा आलू का पराठा बन के तैयार है। इसी तरह आप मूली का पराठा बनाएं, तेल से बनाएं या घी से, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चलिए आप इसको ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि कैसा बना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।